साथियों आज का जो वीडियो है दोस्तों स्पेशल मेडिकल टेस्ट पर है। एसएससी जीडी का दोस्तों रिटर्न टेस्ट क्लियर हो गया, बाबू का फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गया और मेडिकल टेस्ट क्लियर हो गया। और ये रहा दोस्तों क्वालिफाई लेटर, आप देख लीजिए दोस्तों। बाबू हाइट में पास हुआ, चेस्ट में पास हुआ एंड 5 किलोमीटर रेस में पास हुआ, साथ में मेडिकल टेस्ट पास किया, इसके बाद में रिटर्न टेस्ट पास हो गया। और इंदौर फिजिकल एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार जोरदार तालियां। साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे डीप में मेडिकल टेस्ट कैसे हो रहा है एसएससीजीडी का। ये वीडियो कंटिन्यू आपको अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। और मैं सबसे पहले दोस्तों बाबू से परिचय करवाता हूँ, कहाँ का रहने वाला है, कब फिजिकल टेस्ट था, कब मेडिकल टेस्ट था। बाबू अपना इंटरव्यू दीजिए। सबसे पहले सभी को जय हिंद। जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबू। मैं गुरु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे रह के मेडिकल रिटर्न और रनिंग फिजिकल सब क्वालिफाई किया है। मेरा नाम कुशील तरुण सिंह चौहान, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मेरी भर्ती जो है बड़वाह में हुई थी जी। 24 तारीख को मेरी भर्ती थी जी। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे हमें बुला लिया गया था जी। और 5 बजे बिठा के रखा था। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें अंदर एंट्री के लिए एक फॉर्म भराया गया जी। हमने फॉर्म भरा जी। फॉर्म भरने के बाद बच्चों को लाइन में खड़ा करके एक एक अंदर लेने लगे। कुछ बच्चे नागालैंड से आए हुए थे तो उनका हाइट में थोड़ा छूट था तो उन्हें अलग कर दिया गया और हम लोगों को अलग से हाइट के लिए पहले ही मेजरमेंट करके अंदर ले लिया गया। उसके बाद सबको लाइन से बिठाने के बाद वापस एक फॉर्म फिल करवाने के बाद वापस से हाइट मेजरमेंट जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है वो हम लोग को सर्टिफिकेट दिखाने के बाद उस पर हम लोग का हाइट लिया और उसके बाद हम लोग का चेस्ट लिया। जिन बच्चों का चेस्ट नहीं फूल रहा था उन्हें अलग बिठा दिया गया और जिन लोग ने 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाया उन्हें क्वालिफाई करके अलग बिठा दिया गया था जी। उसके बाद हम लोगों को तकरीबन आधा घंटे बिठाने के बाद रनिंग ट्रैक के लिए लेके गए जी। वहाँ लेके जाने के बाद हम लोगों को सबसे पहले 400 मीटर के 2 राउंड लगाए और तीसरे राउंड में बोला गया था कि आप लोगों का ऐसे रास्ता है वो बाहर जाना है जी। और आधा रास्ता सफर होने के बाद वहाँ पे हम लोगों को टोकन दिया गया जी। टोकन देने के बाद बोला था कि वहाँ से टर्न होकर रिटर्न हम लोग को जाना है टोकन लेके। हाँ जी सर। और सर ने पहले ही बोला था कि 24 मिनट में क्वालिफाई करना है तो धीरे धीरे भागना जाती है, भागना नहीं है। तो मैंने 22 मिनट में क्वालिफाई किया था। एक बार जोर दबा। उसके बाद हमें लाके मेडिकल के लिए बिठा के दिया गया जी। साथियों वीडियो बड़ी जबरदस्त शानदार जिंदाबाद है और आज का जो वीडियो स्पेशल एसएससी जीडी पर है, बहुत ज्यादा यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे थे भाई लोग के कि सर जो हाल में एसएससी जीडी का मेडिकल टेस्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे मेडिकल टेस्ट करवाएं और कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे जरूरत पड़ती है। जी बाबू। सर डॉक्यूमेंट में 5 डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। डोमेंशियल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और ये जो हमने एडमिट कार्ड दिया था वो एडमिट कार्ड लिया। हाँ सर। और 10वीं का मार्कशीट लिया बस सर, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया। हाइट रिलैक्सेशन वालों का सर्टिफिकेट लगा है जिस मतलब जो जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। एसटी केवल जी सर। एसटी कैटेगरी से आप कभी बिलोंग करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर केवल आपको छूट मिलेगी। एससी वालों को छूट नहीं मिलती है, ना इंडियन आर्मी में, ना एसएससीजीडी में या किसी भी राज्य की पुलिस में। ध्यान देने वाली बात है आप सभी को भी, कभी आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सभी लोग बोलते हैं कि एससी और एसटी, यस नो? जहाँ छूट मिलती है केवल मिलेगी तो एसटी को, और एसटी को हम लोग बोलेंगे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। और कभी दोस्तों हम बात करेंगे एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, बात करेंगे अनुसूचित जाति, समझ रहे? जनजाति और जाति में आपको अंतर समझना है। और वहां पर केवल छूट मिलेगी तो केवल एसटी को। जी बाबू, तेरा दोस्त मिला था कल बेटा मेरे को, बैठो मैं। हाँ कंटिन्यू। उसके बाद सर हमें मेडिकल के लिए लेके गए तो स्टार्टिंग में हमारा ब्लड ले लिया और यूरिन ले लिया। उसके बाद लाइन से खड़ा करके हमारे एक्सरे लिया गया जी, आराम से बिल्कुल आराम से का एक्सरे लिया गया जी। एक्सरे लेने के बाद हम सबको वापस से बस में बिठा के, मतलब सारा सफर बस में करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दूर दूर में मेडिकल है जी। तो वापस से बस में बिठा के हमको लाया गया
और यूरिन की जांच शाम तक आई तो आधा हम लोग का मतलब पल्स ले लिया और बीपी वगैरह पहले दिन चेक कर लिया और रात को 7 बजे छोड़ दिया, ये बोल के कि मॉर्निंग में कल आ जाओ तो तुम्हारा मेडिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे दिन मॉर्निंग में 7 बजे बुलाए और सब बच्चे 7 बजे गए जी। जाने के बाद 11:11 के रो में बच्चों को खड़ा कर दिया गया और लाइन बाय लाइन 2-3 अलग अलग मेडिकल के सर थे तो अलग अलग चेक कर रहे थे, तो हम 11 को लाइन से खड़ा कर दिया गया और पूरे कपड़े निकाल के अंडरवेयर में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों को हाथ पहले चेक, एल्बो टेस्ट, दोस्तों एल्बो टेस्ट करने का उनका तरीका है दोस्तों, दोनों एल्बो को आपस में, ये दोनों एल्बो इस तरह वापस चेकअप की जाती है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों एल्बो आपस में दोस्तों मिलना नहीं चाहिए। सेकेंड बात, आप डाउन नहीं होना चाहिए। सेकेंड बात दोस्तों, जब भी आप छोटे रहते हैं कभी भी मतलब आपका हाथ टूट जाता है तो ऊंचा नीचा हो जाता है, तो दोस्तों वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और किस तरह मैंने एल्बो टेस्ट किया वहाँ पर चेक, सर ऐसे पहले ऐसे और ऐसे चेक करवा, नाखून भी, ये भी आपका अप डाउन नहीं होना चाहिए और ये भी आपका बैलेंसिंग होना चाहिए, उंगलियाँ आपके बराबर होना चाहिए। एक सेकेंड बात दोस्तों, आपके दोनों हाथ वाइब्रेशन नहीं करना चाहिए और हथेलियों में आपके पसीना नहीं आना चाहिए। उसके बाद सर ऐसे रोटेट करवाया सबके जी, साइलेंस, और ऐसा अप एंड डाउन भी करवाया कि किसी का प्रॉब्लम रहेगा तो वो ऊपर आ रहा था तो ऐसे भी चेक करवाया जी। ये सब करवाने के बाद हम लोगों को बोल दिया गया कि ठीक है बैक हो जाओ, तो हम लोगों को बैक होने के बाद यहाँ की वेरिकोस वेन, साथियों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर होती है दोस्तों वेरिकोस वेन और जो वेन होती है दोस्तों आपकी जो अप हो जाती है और बिल्यू आकर के दोस्तों वो दिखाई देती है, ऊपरी वही रहती है जी। फिर तो क्या हुआ, हम लोगों को ऐसा करके वो थोड़ा देर रखने के बाद हम लोग का वो चेक किया जी। और साथ जो ध्यान देने वाली बात है, इधर तारा पास लेगा बेटा, ये जो तो वेन बाहर निकल रही है दोस्तों इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, क्योंकि बाबू हाल ही में फिट होके आया है जी। जी सर, उसके बाद पैर का चेक करने के बाद हमारे दांत चेक किए, दांतों में लाइट पास लेगा तारा, आ करो आ करो आ करो पूरा व्यवस्थित तरीके से जा। साथियों ध्यान देने वाली बात है, आपके मुंह से बदबू नहीं आना चाहिए, पायरिया वाली बीमारी नहीं होना चाहिए और 32 दांत आपके मुंह में रहते हैं लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कम से कम 28 दांत तो आपके मुंह में होना चाहिए और आपके मुंह में बराबर 4 उंगली जाना चाहिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है जी। बेटा क्या चेक कर रहे हो वहाँ पर दांतों में, आप खुद बताइए। सर दांतों में टॉर्च बार के देख रहे थे, जिसने कैप लगाया है उन लोगों को पॉइंट दिया और जिसने कैप वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, जिसके साफ दांत क्लीन है जी, और जिन्हें गुटखा वगैरह खाया तो उनको भी पॉइंट दिया, बाकियों को ऐसे फिट कर दिया जी। कभी फौज में जाना है दोस्त तो धूम्रपान बिल्कुल ना करे, जैसे दोस्तों आप जर्दा वगैरह खाते हैं या फालतू किसी प्रकार का कोई भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर दोस्तों आपका एक्स्ट्रा भी हुआ, इसके बाद दोस्तों आपकी पल्स भी चेक हुई, यस Yes, और सेकंड बात दोस्तों आपके मुंह दांत सड़े हुए हैं, जर्दा की गंदगी लगी हुई है तो वहां पर भी आपको पॉइंट मिल रहा है। Yes, उसके बाद सर एक पेन की मदद से हम लोगों का आइस टेस्ट हुआ पहले बाहर। साथियों यहां पर एक पेंसिल लगेगी और पेंसिल से दोस्तों जो आपकी पुतलियां होती है, मेरी तरफ देखिए, तो आपके पुतली को जिधर पेंसिल आकर घूम रही है, रोटेट कर रही है, रोटेशन कर रही है, उधर ही आपकी पुतली को घुमाना है। तारा बताइए इसको आपको, मैं साथियों बोल सकता हूं बाबू एकदम फिट है, देख लीजिए आप, और तभी दोस्तों हम आपकी सहायता के लिए ये वीडियो दोस्तों बताने और बना रहे हैं दोस्तों, और ये दोस्तों क्वालिफाई यहां पर जी बाबू। उसके बाद सर हम लोगों को बिठा दिया गया एक जगह पे और बैठने के बाद सबसे पहले हमारा 6x6 आईज टेस्ट के लिए जी एसएससी जीडी में जाना है तो आपकी आंखें 6x6 होना चाहिए। सेकंड बात दोस्तों, आपकी जो पुतलियां है वो रोटेट करना चाहिए। थर्ड बात दोस्तों, कलर विजन वाली समस्या नहीं होना चाहिए। तो सर हम लोग को 6x6 के लिए लेके गए तो वहाँ पे लेटर्स भी थे पर हम लोगों को वो सर्कल होता है एक जगह से कटा होता है जी, तो वो वाले में पूछा, ज़्यादा करके बच्चों को वो 6x6 का था वही वाला लास्ट का पूछ के 2-3 लाइन उसके बाद छोड़ दिया जी। और उसके बाद सर थोड़ा देर बिठाने के बाद हम लोग को कलर ब्लाइंडनेस के लिए बुलाया गया, वो डायरी पूरी डायरी पढ़वाई और उसमें कुछ लेटर कुछ नंबर्स थे और कुछ आकृति थी और जैसे कोई लाइन थी जैसे सांप की सीढ़ी बोल सकते हैं उसको आप लोग, या किस कलर की है वो, 5 लिखा, 7 लिखा, 72 लिखा, 74 लिखा, और किस भाई किसी भाई को दोस्तों कलर विजन वाली समस्या होती है तो उस भाई को हरा रंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। यस यस सर जी।
उसके बाद सर हम लोगों का नाक टेस्ट और कान टेस्ट, वो एक मशीन होती है उनके पास, वो टॉर्च लगा के अंदर डाल के देखते हैं कि नाक और कान साफ है या नहीं। जिन नाक में दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, इस तरह वहाँ पर नाक आपकी चेक होती है, आपकी नाक का जो आकृति होती है दोस्तों, स्ट्रक्चर होता है सेम ऐसा होना चाहिए, यहाँ से मुड़ी भी नहीं होना चाहिए, और जो दोनों छेद है आपके वो पूर्णतः दोस्तों ओपन होना चाहिए। सर जिन लोगों का नाक टेढ़ा था उन लोगों को पॉइंट दे दिया गया जी। उसके बाद सर हम लोगों को बिठा दिया गया और सिर्फ प्राइवेट पार्ट रह गया था चेक करने के लिए, तो प्राइवेट पार्ट के लिए अलग से एक एक बंदे। हम कान की बात करेंगे दोस्त, तो कान में दोस्तों आपका पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। सेकेंड बात, जब भी आप मेडिकल टेस्ट देने जा रहे हैं, मैं सभी को बोलना चाहूंगा, आपको आपको और आपको, तो सबसे पहले आप लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साल भर मेहनत करते हैं, वो साल भर मेहनत करने के बाद मेडिकल पॉइंट मिल जाए, और पॉइंट मिलने के बाद में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ये पल होना नहीं चाहिए। पहले से आप अपनी बॉडी साफ सुथरा करा ले, जैसे कान और पूरा शरीर में जितने भी बाल बाहर अवशिष्ट होते हैं वो पूरे क्या करवा लो, रिमूव करवा लो, बॉडी से हटा लो। जैसे कान को अच्छे से साफ करा लो, आंखें आपके साफ अच्छे से करवा लो। सेकेंड बात, जब मेडिकल टेस्ट देने जा रहे हैं तो नींद अच्छे से ले, और कभी आपको टेंशन है, आपको नींद नहीं आ रही, तो जो तुम्हारी आंखें होती ना आइस, वो क्या हो जाती, लाल हो जाती, येलो हो जाती, और उसमें भी आपको क्या मिल जाता है, पॉइंट मिल जाता। तो ध्यान दो, आराम करो, साफ सुथरा रहो, जोश में होश नहीं कोना है। जब भी मेडिकल टेस्ट हो रहा है तो वहां पर जितने भी फौजी भाई हैं उनकी उनकी रिस्पेक्ट करो, क्या करो, रिस्पेक्ट करो, अनुशासन से रहो, और कभी अनुशासन से रहे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और वहां पर आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। ओवर स्मार्ट का मतलब होता है किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करना, और गाड़ी ओवरटेक करी तो पीछे वाला आपको ठोक देगा। समझदार के लिए ये सारा काफी, यू कंटिन्यू। उसके बाद सर हम लोग के प्राइवेट पार्ट के लिए एक एक बच्चों को बुलाया गया और पूरा कपड़े निकलवा जी, प्राइवेट पार्ट आप क्लियर खुल के बोलो बिल्कुल। ये सर वो पकड़ के सर दोनों अंडकोश को चेक करते हैं, अंडकोश नहीं बोलते बेटा, उसको बोलते हैं टेस्टी या वृषण। अंडकोश किसके होते हैं, लड़की के होते हैं, है ना, ध्यान रखो। अंडानु, ये सर अंडे को पकड़, अंडे नहीं वृषण, अंडे सर, आप पढ़े लिखे है ना सर, वृषण। आप कमेंट करके बताओ, मत बताओ क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला, कमेंट गाइडलाइन अपने तो जाएगा जी। फिर क्या, तो सर किसको पकड़ेंगे, वृषण को पकड़ के और साइड में चेहरा करके खांसने के लिए बोला, और चेक कर रहे थे वो। उसके बाद मैं खुल के बोल दूं क्या, यस सर बोलूं, साथियों कैमरामैन फोकस करो, साथियों दो टेस्टीज होते, वन पेयर होते हैं, तो दोनों आपके 21-20 होना चाहिए, ज्यादा बड़े ज्यादा छोटे नहीं होना चाहिए, बराबर है चल जाएंगे, हल्के से छोटे बड़े चल जाएंगे, हाइड्रोसिल वाली समस्या नहीं होना चाहिए, केवल दो होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए और तीन भी नहीं होना चाहिए। और आपको डाउट हो रहे हैं, एक भाई का एक था अपनी एकेडमी में, मैंने उसकी छुट्टी कर दी, उसने शर्म के मारे बोला नहीं कि सर मेरे, फिर एक दिन में चेक करा तो उसका एक ही रहा, तो उसकी छुट्टी कर दी बिल्कुल। और उसके बाद में ओपन करके बताया होगा, ओपन एक छेद होना चाहिए, कहाँ पर एक छेद होना चाहिए, आप समझदार है, और चमड़ी को बाहर करके वहां पर केवल एक छेद होना चाहिए, ओके। छोटा है कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, अरे बहुत कमेंट आते हैं यार भैया, सर मेरा तिरछा जा रहा, मैं क्या करूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होना चाहिए। उसके बाद सर हम लोग का टर्न करके पीछे चेक किया, किसी का बावसीर वगैरह तो नहीं, ऐसे जुटा के ऐसे करके वहां पर चेक किया गया, बाबू एसएससी जीडी में मेडिकल में पास है, ऐसे करके डाउन करा और बोले कोलो खास, यस यस सर खास, तारा कुछ दिखाई दे रहा तो बंदा पास हो गया, यस सर। अब इतनी पब्लिक के सामने कैसे क्या करेंगे, ठीक है तुम साइलेंस रहो, थोड़ा सा क्या बच्चों को भी मजा आना चाहिए। जिसको प्रॉब्लम लग रहा था उनको मेडिकल पॉइंट दे रहे थे, जिसको बावासीर पहले हो चुका है, जिसने ऑपरेशन कराया था उनको मेडिकल में पॉइंट दे दिया था सर। जी जी। उसके बाद सर मेडिकल, इसके बाद में साथियों मैं बताना चाहूंगा, आपके निप्पल्स ज्यादा ढीले नहीं होना चाहिए, पकड़ के देखेंगे वहां पर, है ना, निप्पल आपके ढीले नहीं होना चाहिए, शोल्डर आपका इक्वल होना चाहिए, आपका वहां पर ब्लड टेस्ट भी हुआ होगा, सर हुआ होगा ना, एक्सरा हुआ आपका, यूरिन हुआ होगा, और आप कमेंट करके बताओ
जब यूरिया जब आप बाथरूम करते हैं और कभी कभी बाथरूम का रंग पीला किसके कारण होता है, कमेंट करके आप बताएंगे ना। और इसके बाद में नौकरी चेक हुई है जी सर, आप भूल गए यार बस वो ध्यान आपकी ये चेक हुआ। शादी हो गई नहीं हुई? नहीं सर शादी नहीं हुई बहुत पहले सर। ऐसा करके चेक किया, ऐसे देखो ऐसा करा फिर कैसे करा, उसके बाद ऐसा क्लोज करने के लिए बोला और ऐसा किया जिन बच्चों का चिपक रहा था उनको, जिन भाइयों को यहाँ पर दोनों घुटने आपस में मिल रहे थे उनको बाहर कर दिया, जिनके नहीं मिल रहे थे वो फिट किया, वो फिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद प्लेट बुट भी चेक करा होगा? यस सर, वो ऐसा करके चेक कर रहे थे ना, यहाँ पर आपका प्लेस होना चाहिए। और इसके बाद सुलाया भी होगा आपको ऐसे करके? यस सर सुलाया था, सुला के पीछे से पूरा चेक करा ना ये टना टन। और ये सर हाथों के दोनों हड्डियों के लिए डिप्स भी मराया? डिप्स भी लगवाया, मराया नहीं। ये आपकी बैकबोन, तो बैकबोन दोस्तों सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, किसी प्रकार का इश्यू नहीं होना चाहिए। वेरिकोस वेन हो गया, उंगली हो गया, और आप शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। और क्या बोलना चाहेंगे? बस सर इसके बाद कुछ नहीं करवाया, हम लोग को बिठा दिया गया था, उसके बाद शाम को 7 बजे के तकरीबन 2 दिन में छोड़ दिया गया। एक और चीज़ बताओ क्या करवाया, बता दो क्या सर, है ना। इसके बाद में नखून आपके ज़्यादा कट्टे पीटे नहीं होना चाहिए, किसी भाई के यहाँ से कट जाते, किसी की उंगली 6 है तो उसको भी बाहर कर देते हैं सर, है ना। और वाइब्रेशन नहीं करना चाहिए, नॉर्मल तरीके से होता। आप क्या संदेश देने चाहोगे आप भाइयों को मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में? सर मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि वहाँ जाने के बाद पॉजिटिव रहो सर, अगर पॉजिटिव है तो आप लोग का मेडिकल क्लियर हो जाएगा। मेरे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम थे लेकिन मैं वहाँ पॉजिटिव था तो मैं आज फिट हो चुका हूँ, तो वहाँ जाके नर्वस नहीं होना है सर। बाकी गुरुजी ने जो भी बताया है, जहाँ भी आप जा रहे हो तो वहाँ गुरुजी हैं, यहाँ जैसे हमें आज स्टार्टिंग से बताया, यहाँ भी फौजी आते वो बताते रहते, हमने भी सुना और हमने वहाँ जाके पॉजिटिवनेस दिखाया और आज हम फिट हैं। बहुत बढ़िया। और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या संदेश देने चाहोगे वहाँ 5 किलोमीटर के लिए? सर वो 5 किलोमीटर के रनिंग में सर स्टार्टिंग में जो बच्चे खींच दिए थे वो आगे चल के बहुत डाउन हो गए थे, और सर आपने बताया था कि स्टार्टिंग में स्लो चलना है तो हम स्लो ही चले थे, तो स्लो चलने के बाद वहाँ पे ऐसा है सर जिस बड़वा में मैंने दिया था वहाँ पे ट्रैक लेवल नहीं है, अप डाउन करके है और टर्न टर्न बहुत है, तो बहुत टर्न करवा करवा के मतलब अप डाउन करवा के हम लोगों को लिया। 44 बच्चे रनिंग में थे उसमें से 33 बच्चे क्वालिफाई हुए। बहुत बढ़िया, अच्छा रहा ये सर। और बाकी सर यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चों को रनिंग और मेडिकल और इसके लिए टेस्ट के लिए आना है, इंदौर फिजिकल एकेडमी अपनी अच्छी संस्था है सर की, और यहाँ और अब तैयारी करो सर। चलो आई होप, और मैं तो ये बोलना चाहूँगा इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली होगी, देखने से बहुत ज़्यादा राहत मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो कंटिन्यू आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बाबू आपको इंदौर फिजिकल एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार बोलना चाहूँगा जो भी यहाँ पर आए हैं जरूर फौजी बन के गए हैं, जो टीका है और जो चले गए हैं वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप भी आओ इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने सपने को साकार करो। और ये रहा दोस्तों क्वालिफाई लेटर, नाम उसका ये है, कहाँ का रहने वाला है ना, सब लिखा है उसमें पूरा। ये क्या नाम तुम्हारा? सुशील तरुण सिंह चौहान। मेल है आप? यस सर जी। अरे जनरल कैटेगरी लिखा है उसमें, महाराष्ट्र के रहने वाले आप, है ना। और बढ़िया क्वालिफाई, 175 सेंटीमीटर हाइट आप, यस सर, है ना, 80-85 सेंटीमीटर फुलाया आप, यस सर, ये सब साफ बन गया पर साइन है क्वालिफाई। चलो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।